इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं, जिन्हें सुनने के लिए आप बहुत देर से बहुत ही पेशेंस के साथ बैठते हैं, अब हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। सूरज की आप शान हो, फरिश्तों की आप पहचान हो, दिव्य गुणों की आप खान हो और इस पतंजलि की बगिया की आप जान हो, ऐसी हमारी आदरणीय दीदी जी से मैं अनुरोध करूंगी, वो कृपया अपने आशीर्वचन हम सभी के साथ शेयर करें। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। स्मरणीय श्रद्धेय गुरुदेव और पूज्य आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को सभी बहनों की भाइयों की ओर से प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित मेरी दाहिनी साइड में बैठे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, जो अपने जीवन का एक एक पल परमार्थ के लिए जीते हैं, पूज्य गुरुदेव की भारत माता की सेवा के लिए जीते हैं, एक बार स्वामी जी महाराज का सभी बहनों की ओर से जोरदार अभिनंदन है। और उन्हीं के साथ हमारे आदरणीय डॉक्टर गुलिया जी, जो हमारे दिल्ली प्रांत के भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी हैं और एक बहुत ही यशस्वी डॉक्टर हैं, एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं और उनका पूरा परिवार, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी बताया, तो उनको संस्कारों में, जींस में, घुटियों में ही राष्ट्रभक्ति मिली हुई है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रांत प्रभारी आदरणीय गुलिया जी का भी जोरदार अभिनंदन है। और हमारे आदरणीय भाई साहब राजकुमार आर्य जी, जो जैसा इनका नाम है वैसे ही इनका काम भी है, बहुत ही रॉयल
इनकी जीवन पद्धति है रॉयल, मतलब एक सात्विक दृष्टि से कह रही हूँ मैं, अहर्निश आर्य समाज की सेवा में, श्रद्धे स्वामी जी महाराज की सेवा में, प्राणार्पण से, तन से, मन से, धन से सेवा में लगे रहते हैं। आदरणीय भाई श्री राजकुमार आर्य जी का भी एक बार जोरदार अभिनंदन है, और उन्हीं के साथ में बैठे हैं हमारे आज की इस सभा में, मुझे लगता है हम सबसे वरिष्ठ हैं, और जिनको आज श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने एक नई उपाधि प्रदान की है कि हमारे श्रद्धे वंदनीय मोतीलाल जी केवल दिल्ली के या अपनी माँ के ही लाल नहीं हैं, वो पूरी पतंजलि के एक लाल हैं, हीरा हैं, पन्ना हैं, डायमंड हैं। हम सब बहनों की ओर से बहुत बहुत आपको प्रणाम है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है भाई साहब। और इसी प्रकार से हमारे आदरणीय अशोक जी, आदरणीय भाई मोतीलाल जी, आदरणीय भाई डबास जी, आदरणीय भाई रोहित जी, और सभी हमारे जिला प्रभारी, मीडिया प्रभारी, सभी जो प्रभारी प्रभारी भाइयों को आज बुलाया था, आदरणीय भाई कुलदीप जी, सभी का एक बार जोरदार अभिनंदन है। और भाइयों के साथ साथ मेरी बाई तरफ आदरणीय बहन सविता जी, जो हमारे दिल्ली प्रांत की यशस्विनी राज्य प्रभारी हैं, और इनका भी पूरा कुल खानदान, इनके सास ससुर, पति, बेटे, बहू, और ये स्वयं, इनका एक एक पल राष्ट्रभक्ति में ही बीतता है, तो ऐसे इस राष्ट्रभक्त और गुरु भक्त परिवार को, आदरणीय बहन सविता जी को भी सब बहनों की ओर से जोरदार अभिनंदन एक बार। बहन सविता जी के साथ ही हमारी राज्य कार्यकारिणी की सदस्य बहने आदरणीय पूज्या माता नारायणी जी, आदरणीय बहन विमला जी, आदरणीय बहन शांता जी, आदरणीय बहन अनीता जी, आदरणीय बहन अर्चना जी, आदरणीय बहन शर्मिला जी और आदरणीय बहन समीता जी, इन सभी राज्य कार्यकारिणी की बहनों का भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। और आज आप होस्ट हैं, और आपके अतिथि के रूप में अतिथि देवो भव उत्तराखंड से पूज्य माता सीमा जी, आदरणीय बहन सीमा जी, और इनके साथ इनकी कार्यकारिणी की बहनें भी आई हैं, तो अतिथि देवो भव, इन सब बहनों का और बहन सीमा जी का भी एक बार जोरदार अभिनंदन है, क्योंकि इनको भी ऐसा ही कार्यक्रम करना है, तो इन्होंने कहा कि हम भी देखते हैं दिल्ली वाले कैसे करते हैं, तो हम उससे और ज़्यादा अच्छा करेंगे, तो होड़ लगनी चाहिए अच्छे कार्यों में। तो चलिए सबसे पहले तो जो महीनों से सभी बहनों ने इतनी सुंदर तैयारी की है, आपके कार्यक्रम को हम 100 में से कितने नंबर देंगे? 110 नंबर देंगे। तो माता जी थोड़ी और युक्ति हो जाएंगी, 110 के नाम, 110 नंबर माता जी के नाम के, नारायणी माता जी के नाम। तो खैर, हमें श्रद्धे स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद मिला, और सबसे बड़ी बात है इस योग सत्र की शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत आज महिला पतंजलि योग समिति दिल्ली से हो गई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप सब बहनों के पुरुषार्थ की। और बस मेरे को केवल 10 मिनट अपनी दो चार बातें कहनी है, वैसे तो आप सभी मेरे को वैदिक चैनल पे सुनते ही रहते हैं, और जिनके पास थोड़ा सा टाइम हो तो वो रोजाना 9:30 बजे फेसबुक पे जुड़ करके हमारे साथ रामायण का भी अध्ययन कर सकते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं। और आज की जो मैं बात कहना चाहती हूँ, देखो हमारा ये जो जीवन है इसके कई पहलू हैं, एक पहलू है हमारा व्यक्तिगत जीवन, एक होता है हमारा पारिवारिक जीवन, एक तीसरा हमारा होता है सामाजिक जीवन, और चौथा हमारा होता है राष्ट्रीय जीवन, और पांचवा होता है वैश्विक जीवन, और इन सब का जो मूल है वो होता है आध्यात्मिक जीवन।
स्पिरिचुअलिटी इसके बेस में है और आध्यात्मिकता के अभी यदि कोई रूट हो सकता है तो वो है योग। तो इसको बहुत हमें गंभीरता से लेना है, क्योंकि देखो मैं भी ना तो कोई भाषण देने के लिए बोल रही हूँ और कभी भी मेरा ये मानना है कि किसी भी वक्ता को किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बोलना चाहिए। हम सब एक आत्मा है, हमारी अपनी एक डिग्निटी है, हमारी अपनी एक डिवाइनिटी है, सबकी है वो, हर व्यक्ति विशेष है, कोई सामान्य नहीं होता है। श्रद्धे स्वामी जी महाराज इस बात को बार बार हमें सिखाते हैं कि हम सब ऋषियों की संतान हैं, हम सब भारत माता की संतान हैं, हम भगवान की संतान हैं और हम सब महान हैं, कोई भी सामान्य नहीं है। तो अपनी उस महानता को हमने कितना एक्सप्रेस किया, जो चार पांच शब्द महाराज जी बोलते हैं, डिवाइन एक्सप्रेशन, दिव्य अभिव्यक्ति। तो अपनी उस दिव्यता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रारंभ होता है योग से। देखो बहुत कम जीवन में ऐसे अवसर होते हैं जब हम गंभीरता से अपने जीवन के सभी पहलुओं को ऊंचा उठाने के लिए, उत्कर्ष के लिए मिलकर के कोई प्लान बनाते हैं। हम यहाँ ताल कटोरा स्टेडियम में कोई प्रसाद लेने के लिए नहीं आए, कोई खाना खाने के लिए नहीं आए और केवल कोई भाषणबाजी सुनने के लिए नहीं आए। एक बहुत बड़ी योजना है महिला पतंजलि योग समिति की, 21वीं सदी में मानवता को, देश को, अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने परिवार को कैसे हमें दिव्यता तक ले जाना है, कैसे डिवाइनिटी को एक्सप्रेस करना है, इसकी योजना बनाने के लिए आज हम ताल कटोरा स्टेडियम में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत जीवन में जिसके कोई समस्या नहीं है, शारीरिक रूप से जो स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, बौद्धिक रूप से स्वस्थ है, आत्मिक रूप से जो स्वस्थ है, सब तरह से जो संतुष्ट है, वो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन के उत्कर्ष के साथ साथ अपने पारिवारिक जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। घर में एक व्यक्ति के श्रेष्ठ होने की जरूरत है। घर में यदि चार पांच सदस्य रहते हैं और सारे यदि श्रेष्ठ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, काम चलेगा। एक आदमी यदि श्रेष्ठ है, व्यक्तिगत जीवन में योगी है, तो वो पूरे परिवार को संभाल सकता है। जैसे घर में खाना चार पांच लोग रहते हैं तो चारों पांचों ही खाना बनाते हैं या कोई एक महिला बनाती है? खाना कितने लोग बनाते हैं? कोई एक बनाता है और सबका पेट भर जाता है। खुदा ना करे अगर घर में कभी कोई ऐसा रोग बीमारी आए और तीन चार सदस्य बीमार हो गए और कोई एक यदि स्वस्थ है तो वो चारों पांचों को संभाल लेता है, सबको दवा दे सकता है, सबकी सेवा कर सकता है। ऐसे ही मानसिक रूप से यदि एक बहन घर में योगिनी है, वो शारीरिक मानसिक आत्मिक बौद्धिक रूप से समर्थ है, स्वस्थ है, तो वो पारिवारिक जीवन को भी दिव्य बना सकती है और ये हमारा लक्ष्य है। महिला पतंजलि योग समिति को कभी भी श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने ये नहीं कहा कि आप अपने घर परिवार को छोड़ो और केवल सेवा में लग जाओ, ऐसा नहीं बताते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं पहले व्यक्तिगत उन्नति से राष्ट्र की उन्नति, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। ये बहुत पुराने लोग हैं हमारे, बहुत गहरी सोच है ये महाराज जी की। व्यक्तिगत रूप से पहले योगी बनना, योगी नहीं बनना, फिर अपने परिवार को योगी बनाना सबसे पहले, क्योंकि आपका परिवार आपकी सपोर्ट करता है, इसलिए आज आप यहाँ ताल कटोरा स्टेडियम में बैठे हैं। यदि परिवार की सपोर्ट ना हो तो आप यहाँ नहीं आ सकते थे। तो आपके परिवार वाले लोगों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए।
और किसी के घर में कहीं थोड़ी थोड़ी 50-50% सपोर्ट मिल रही है, तो आज से आप संकल्प लेके जाएं, आप उनकी 100% सेवा करें, फिर वो भी आपका 100% सहयोग करेंगे। तो ये हो गया, पारिवारिक जीवन को भी हमें श्रेष्ठ बनाना है, एक मॉडल होना चाहिए आपका परिवार। सब लोग बोलेंगे भाई परिवार हो तो इनके जैसा होना चाहिए, तो ये योग का लक्ष्य है हमारा। तीसरा मैंने कहा सामाजिक जीवन। देखो आज हम जहाँ भी खड़े हैं, इस समाज का बहुत बड़ा एक योगदान है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं जहाँ से आई हूँ, एक बिल्कुल एक सामान्य परिवार में, सामान्य गांव में, एक सामान्य माता पिता के यहाँ मेरा जन्म हुआ, सामान्य स्कूल में शिक्षा दीक्षा हुई, और उसके बाद बहुत संघर्षों से निकल करके, क्योंकि भारत के और वो भी ग्रामीण समाज में कोई समाज किसी बेटी को, और वो भी 90 में, आज से लगभग 32 साल पहले, ये अलाउ नहीं करता है कि उनकी बेटी शादी ना करे और सेवा में लग जाए, शादीशुदा को भी अलाउ नहीं करते हैं। तो वहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की, उस परिवेश से। तो मेरे इस जीवन को यहाँ तक लाने में, चलो महिला पतंजलि योग समिति का योगदान तो 2008 से है, लेकिन उससे पहले जिस जिन समाज के लोगों ने, कुछ लोग विरोध करने वाले थे, अपमान करने वाले थे, उल्टा बोलने वाले थे, तो कुछ लोग शाबाशी देने वाले भी थे, पीठ थपथपाने वाले भी थे, आगे बढ़ाने वाले भी थे। तो हमारे जीवन में समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो अब हमें, जब हम समर्थ बन गए, तो जैसे बच्चे समर्थ होने के बाद अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनको सुख देना चाहते हैं, वैसे ही बहन का, किसी नारी का, महिला का जीवन धरती की तरह से होता है। जैसे धरती माता में एक दाना डाले तो वो सैकड़ों वापस देती है, ऐसे ही बहनों का जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमें इस समाज से, यदि कहीं कोई एक सिंगल इकाई में किसी ने हमारा उपकार किया है, सेवा की है, तो अब हमारा फर्ज बनता है हम धरती माता की तरह 100 गुना उनकी सेवा करें, 100 गुना ज़्यादा हम उनका एहसान माने। तो ये हमारा सामाजिक दायित्व जो हो सकता है वो निभाने के लिए ये महिला पतंजलि योग समिति की संरचना हुई है। तो हमें अपने इस समाज को भी सुंदर बनाना, उन्नत बनाना, निरोगी बनाना, निर्दोष बनाना, निर्द्वंद्व निर्वैर बनाना, ये महिला पतंजलि योग समिति पूरी जिम्मेदारी के साथ इस कार्य को अपने जिम्मे लेती है। तो क्या आपका मेरे साथ, मेरे मत के साथ सहमत है? आप मानते हैं? चलो, सभी बहनों का बहुत जोरदार अभिनंदन। कुछ बापूजी आए थे अभी कथा करने के लिए हरिद्वार में, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि ये सब जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जैसे घर को घर बना के रखने की जिम्मेदारी या तो माँ की होती है या पत्नी की होती है, जो घर में बड़ी महिलाएं होती है, बाकी तो सब आनंद करते हैं घर में। तो ऐसे ही समाज में एक सुंदर समाज बनाने की जिम्मेदारी महिला पतंजलि योग समिति ले रही है, और उसके लिए हमें सबसे पहले शुरुआत व्यक्ति से ही करनी है, अपने आपके जीवन की, अपने परिवार की, फिर अपने समाज की। और एक समाज जब सुंदर बनता है तो उसकी गूंज पूरे राष्ट्र में जाती है। और मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये दिल्ली पूरे देश का दिल है, भौतिक दृष्टि से भी, राजनैतिक दृष्टि से भी, और मैं चाहती हूँ आध्यात्मिक दृष्टि से भी, संगठन की 15 लाख बहनों के पूरे संगठन का दिल ये दिल्ली बने, प्रेरणा ही सारा संगठन हमारा कि। और ऐसा किया है आप लोगों ने, आप लोगों ने आज के कार्यक्रम को देख करके मेरा बहुत तृप्त है मेरा मन। आदरणीय बहन सविता जी, हमारी सभी आदरणीय राज्य कार्यकारिणी की सदस्य बहनें, हमारी सभी आदरणीय जिला प्रभारी बहनें, संगठन मंत्री, महामंत्री, जिला तहसील प्रभारी, और कुछ बहनें जो प्रभारी नहीं है, कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं, इतना सुव्यवस्थित ढंग से इस इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है, ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप इस पूरे देश को एक आदर्श समाज कैसे बनाया जाए उसकी शिक्षा दे सकते हैं।
अभी तक मैंने 4-5 कार्यक्रम कर लिए हैं बहनों के, महाराष्ट्र में किए हमने 2 कार्यक्रम, उसके बाद हमने 2 बिहार में किए कार्यक्रम, एक फिर झारखंड में किया और गोवा वाला कैंसिल हो गया किसी कारण से। तो उन चारों पांचों कार्यक्रमों में बहुत सुंदर कार्यक्रम थे सभी, लेकिन फिर भी वैसे तुलना नहीं करनी चाहिए, पर यदि तुलना करें तो उन सब में सबसे सुंदर कार्यक्रम दिल्ली वालों का है आज का कार्यक्रम। तो हमारा एक सामाजिक जीवन है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। तो मैं बता रही थी कि समाज के साथ साथ फिर वैश्विक जीवन, पूरे विश्व के जीवन का सुधार करना ये भी एक व्यक्ति कर सकता है। ये हम सीख सकते हैं महर्षि दयानंद से, ये हम सीख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी से, भगवान महावीर से, गौतम बुद्ध से, श्री राम से, योगेश्वर कृष्ण से, ऐसे हमारे जितने भी आदर्श पुरुष हैं, महारानी लक्ष्मीबाई से, रानी चेन्नम्मा से, झलकारी बाई से, सीता माता से, सावित्री माता से, अनसुया माता से, मदालसा माता से, एक बहुत लंबी कतार है हमारे आदर्श पुरुषों की, जिनका जीवन था वैश्विक जीवन। वहाँ तक एक आत्मा का जीवन हो सकता है, उस रास्ते के हम पथिक हैं, उन ऋषि ऋषिकाओं के हम अनुगामी हैं। तो इसलिए हमारे को अपना लक्ष्य छोटा नहीं बनाना है कि जी हमने कोई कार्यक्रम कर लिया, कुछ योग की कक्षाएं हमने लगा दी, कुछ लोगों को योग सिखा दी, ये भी बहुत बड़ा काम है, लेकिन आपके अंदर जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो उससे हजारों गुना ज़्यादा है, और वो सारी की सारी एक्सप्रेस होनी चाहिए, वो सारी की सारी अभिव्यक्त होनी चाहिए योग के माध्यम से। ये आज की सभा का उद्देश्य है। एक आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कितनी बार हमें कहते हैं, और हम सुन करके सोचते हैं कि बस ये बोलने के लिए है आध्यात्मिक राष्ट्र, और उसके बाद महाराज जी का आजकल का जो टारगेट है वो है आध्यात्मिक विश्व। ये जो पीछे युद्ध चल रहे थे यूक्रेन और रसिया के बीच में, और भी चलते ही रहते हैं, ये सारे युद्ध यदि किसी चीज से समाप्त होंगे तो उसका एकमात्र उपाय है योग, योग और योग। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होगा, तब वो दूसरे की सेवा करने की बात सोचेगा, किसी को दुख देने की बात नहीं सोचेगा, किसी गिरे हुए को उठाने की बात सोचेगा, उसको टांग लगा के गिराने की बात नहीं सोचेगा। तो उस वहाँ तक हमें सोचना है, वैश्विक स्तर तक हमें सोचना है। और मैंने कहा कि इन सब का मूल जो है वो है हमारा आध्यात्मिक जीवन। तो सभी बहनों को, जिला प्रभारी बहने, कर्मठ कार्यकर्ता बहने, आज ये लक्ष्य लेकर के जाएं कि हमें इस 2022 में जितनी कक्षाएं आज आपके जिले में चल रही हैं उससे 10 गुना ज़्यादा कक्षाएं हमें प्रामाणिक रूप से स्थापित करनी है। सब बहनों को इकट्ठे होकर के उसकी योजना बनानी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारा अभियान है और ये हमारा सात्विक अभियान है। हमने अपनी प्रसन्नता से अपने देश की सेवा करने का ये निर्णय लिया है, इसलिए हमें आनंद आना चाहिए इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। और मुझे तो बहुत आनंद है, मुझे जब मैं घर से निकली थी 90 में, उस दिन मेरे पास कोई संगठन नहीं था, मुझे नहीं पता था कि कोई इस देश की एक बहन भी मेरा सहयोग करेगी, लेकिन मुझे प्रसन्नता है आज लाखों बहनें मेरे साथ हैं और मैं उनकी सहायता से कितना सीख रही हूँ, मुझे कितनी शक्ति मिलती है आप सबके सहयोग से। एक छोटा सा बीज तो था मेरे दिल में, लेकिन भगवान की कृपा से इतने बड़े परिवार की सदस्य होने का मुझे गौरव मिलेगा, ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो हमें इसकी शुरुआत कर्म फल से करनी है। योग का मतलब है कर्म फल को समझ ले। जैसे मैंने शुरुआत की कि धरती में एक बीज बोते हैं तो वापस एक नहीं मिलता है, सैकड़ों हजारों बीज वापस मिलते हैं। तो हम योग की सेवा जो कर रहे हैं, तो जितनी सेवा आप एक घंटा सेवा करते हैं तो आपको एक घंटे का ही सुख नहीं मिलेगा, फिर आपको जन्म जन्मांतरों तक किस किस रूप में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था के ऊपर हम छोड़ देते हैं।
और ये मैंने शास्त्रों में भी पढ़ा और ये मैंने अपने जीवन में भी देखा, तो उसी भाव से उस योग को अपना केंद्र बनाते हुए कि केंद्र में योग है और परिधि में कर्म योग है, तो उस परिधि को आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं, कितना भी विस्तार ले सकते हैं, आपके विस्तार की सीमाएं कहाँ तक हो सकती है, केवल दिल्ली तक नहीं हो सकती, केवल भारत तक नहीं हो सकती, केवल पृथ्वी तक नहीं हो सकती, लोकांतरों तक आपकी सेवा की सीमाएं हो सकती हैं। इतना विराट उद्देश्य मातृशक्ति को लेकर के जाना है, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक तरफ तो इतनी वीरता, इतना उत्साह, इतना जोश और दूसरी तरफ पूर्ण विनम्रता, झुकने की आदत। देखो सबसे ज्यादा जल इस धरती के ऊपर कहाँ मिलता है, सबसे ज्यादा जल कहाँ है आप ही बताइए कहाँ है, सबसे ज्यादा जल आपको भारत में कहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा बोलो ना, कुएं में, नदी में, सागर में, बिल्कुल ठीक बोला इधर वाली बहनों ने, सबसे ज्यादा जल है सागर में, और वो सागर कहीं निमंत्रण देने नहीं जाता नदियों को कि मेरे पास आना, सागर तो कहाँ है और गंगा कहाँ है, आप देखो गंगा जाके कहाँ गिरती है, गंगा सागर में, वो अपने स्थान पे ही रहता है सागर, वो कहीं नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि सागर पृथ्वी तल से नीचे है तो जो नीचा बनेगा उसके पास सारी दिव्यताएं खुद आकर के इकट्ठी हो जाएगी, उसको कहीं नहीं जाए। तो आप थोड़ा सा कुछ करने से पहले, थोड़ा कुछ बोलने से पहले थोड़ी देर रुक जाना और थोड़ा सा झुक जाना और उसके बाद आपको वो सब मिलेगा जो इस तीन लोक में दिव्य संपदा है। हमें क्या बोलना है, क्या करना है, उससे थोड़ी देर पहले रुक जाना, सोच के बोलना, सोच के करना और जीवन में थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ा सा झुक जाना, तो फिर आप सागर की तरह बन जाएंगे, चारों तरफ से नदियां आकर के उसमें गिरती हैं और इतना जल गिरने के बाद भी वो कभी ओवरफ्लो नहीं होता है, सदियों से कभी छलका नहीं है, उसका पानी बाहर नहीं आया, उसी में समा जाता है, हर साल कितनी नदियां गिरती हैं। तो ऐसे साधक का जीवन होना चाहिए और ऐसा ये गुण मैंने अपने परम पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन में देखा। मैं उनकी यात्रा की 85 से साक्षी हूँ, जहाँ से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की और आज तक जहाँ से उन्होंने शून्य से यात्रा शुरू की थी और आज भगवान की कृपा से सारी समृद्धि, सारी दैवी संपदाएं उनके पास हैं, तो भी जो विनम्रता मैंने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज में एक ब्रह्मचारी रामकिशन में 85 में देखी थी, वही आज मैं एक योग ऋषि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के अंदर देखती हूँ। सागर कभी छलकता नहीं है, हीरा कभी अपने मुख से अपना मूल्य नहीं बताता है कि मेरा लाखों रुपए मोल है, ऐसे ही अनुयायी हम सब उनके शिष्य शिष्याओं को, साधकों को बनना है। तो जीवन में एक तरफ आग की तरह से प्रचंड उत्साह और एक तरफ जल की तरह से पूर्ण सौम्यता, दिव्यता, विनम्रता, दोनों एक साथ होने चाहिए। तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जो माँ जो बहन अपना एक घर अच्छे से चला सकती है, वो बहन बहुत अच्छे से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला सकती है, एक बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूट चला सकती है, वो पूरा राज्य चला सकती है, पूरा देश चला सकती है और पूरा विश्व चला सकती है। जिसको एक घर चलाना आता है ना, वो सब चला सकती है। तो आपके अंदर अनंत अनंत शक्तियां और संभावनाएं छिपी पड़ी हैं, उन सब को योग के माध्यम से आप अभिव्यक्त होने दें। और एक और आज स्वामी जी महाराज ने भी याद दिला दिया, वैसे मेरे दिल में पहले ही मैं बोलती भी रहती हूँ कि मुझे अपने जैसी 1000 सन्यासिनी बहनें बना दी हैं, तो उसमें से कम 100 सन्यासिनी तो दिल्ली दिल्ली से चाहिए संगठन में से,
और सविता जी कह रही है 100% देंगे आपको, तो भगवा धारण करके दिल्ली से फिर चारों दिशाओं में जाएंगी सन्यासिनी पतंजलि की और योग का अलग जगाएंगी, योग को जन जन तक पहुंचाएंगी। वैसे अभी भी आप सेवा सन्यासिनी ही हैं, अभी भी जो आप कार्य कर रही है वो सन्यासी का कार्य है। आप अपने सुख चैन के लिए नहीं जीती हैं, औरों के सुख चैन के लिए जीती हैं, तो इससे मुझे बहुत तृप्ति है। और बहनों के साथ ही हमारी जो दिल्ली टीम के भाई हैं उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि वो बहुत सहयोग करते हैं महिला पतंजलि योग समिति का। वैसे तो अब पूरे देश में ही भाई बहनों में कहीं भी कोई मनमुटाव नहीं है, कम से कम राज्य स्तर पे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन दिल्ली में पहले भी नहीं था और आज तक भी कभी मुझे भाई बहनों का झगड़ा लेकर के उसको सुलझाने के लिए कोई काम करना पड़ा हो ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। इसी का नाम है संगठन और इसी दिव्यता के साथ हम पांचों संगठनों के भाई बहन मिल करके अपने गुरु के आदेश को, इस भगवान के आदेश को घर घर तक पहुंचाएंगे, गांव गांव तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसकी योजना हमें जरूर बनानी है। देखो बिना योजना के कभी कोई कार्य नहीं होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया आपके जिले में आज जितनी योग कक्षाएं हैं उससे जस्ट 10 गुना ज़्यादा आपको टारगेट लेके जाना है, जितना डोनेशन है उससे 10 गुना ज़्यादा डोनेशन, जितनी बहनें आपकी महिला पतंजलि योग समिति में जुड़ी हुई हैं उससे 10 गुना ज़्यादा बहनें और जुड़ें 2022 में, 1 से 10, ये हमारा पुराना महाराज जी ने दिया है फार्मूला। तो ये फार्मूला सभी बहनें भी लेके जाएंगी, सभी भाई भी लेकर के जाएंगे। बहुत दिव्य आपका कार्यक्रम रहा, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का भी आशीर्वाद मिल गया और जिन्होंने ये सब पुरुषार्थ किया उन सब सेवा करने वाली बहनों को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं और उन्हें आप सब भाई बहनों को भी हृदय से प्रणाम करते हुए और ऐसे ही हम मिल करके ये सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे, इन सब भावनाओं के साथ आपको पुनः पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति 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 ओम।